नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाले रविवार को मतलब 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात इस दिन किया गया किसी भी प्रकार का दान से जो फल की प्राप्ति होती है उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर दीप दान का क्या महत्व है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस फल की प्राप्ति के लिए किस देवता को कौन से दीपक का दान करना चाहिए। यहाँ पर दीप दान का मतलब दीपक का दान करना नहीं होता कि हमने मार्केट से खरीद के लाए और उसको किसी को दान दे दिया, नहीं। दीप दान का मतलब होता है दीपक जलाना, पर्टिकुलर भगवान के सामने या किसी भी देवता के सामने दीपक का जलाना ही दीप दान कहलाता है। पहला, क्या आप चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो? शायद हाँ, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि उसका खुद का मकान हो। तो इसके लिए इस अक्षय तृतीया पर एक आपको नारियल लेना है और नारियल को जब आप पूजा करते हैं उस समय उसको फोड़ना है। तो एक पार्ट जो उसका जब फोड़ोगे तो एक पार्ट तो आपको भगवान को चढ़ा देना है और दूसरे पार्ट में आप ये दूसरा भाग जो नारियल का रहेगा उसमें आपको घी भरना है और उसमें बत्ती लगाकर दीपक बना लेना है और उस दीपक को आपको भगवान के सामने रख कर उसका आह्वान करना है या कह सकते हैं उसका उससे आपको प्रार्थना करना है कि आपकी जो मनोकामना यानी मकान बनने की जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दूसरा, क्या आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी चाहिए? क्या आपकी संतान नहीं है और आपको संतान चाहिए? और क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप पढ़ना चाहते हैं? तो आपको करना क्या होगा कि इस अक्षय तृतीया के दिन शाम को एक दीपक लेना है, उसे केले के पौधे को दान करना है। इट मीन्स आपको केले के पौधे के सामने उस दीपक को जलाना है और केले के पेड़ से या केले के पौधे से आपको प्रार्थना करना है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तीसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है या आप पर या आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है या किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है या आपको भूत प्रेत का डर लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इस अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। आपको करना क्या होगा कि इस अक्षय तृतीया पर 10 नींबू लाना है, उसे बीचों बीच से काट लेना, 10 ही नींबू को आपको काट लेना है, उसका सारा जो मटेरियल है वो निकाल देना। जब आप ऐसा कर लेंगे तो वो एक दिए के टाइप बन जाएगा। फिर उस दिए में और जितने भी आपके जो आपने काटे हैं उन सभी में आपको सिंदूर भर देना है। अब इनमें से कुछ दीपक घर की चौखट पे रख देना है, 2 दीपक जो है वो मेन गेट पे रख देना है और घर के चारों कोनों पर भी दीपक को रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। और दूसरा, आप पर अगर किसी ने जादू टोना कर दिया है या आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। चौथा, अगर आपको शनि की 7.5 परेशान कर रही है या ढैया परेशान कर रही है या शनि की कोई भी दशा अगर आपको परेशान कर रही है तो आपको इस अक्षय तृतीया पर एक दीपक पीपल के पेड़ को अवश्य दान करना चाहिए। मतलब आपको इस अक्षय तृतीया पर एक दीपक जिसमें कि सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल और बत्ती लगाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, पीपल के पेड़ के सामने जाकर उसे जलाइए और पीपल के पेड़ से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर जो शनि की कोई भी दशा चल रही है, नेगेटिव दशा चल रही है, खराब दशा चल रही है, उससे आपकी रक्षा करें। पांचवा, अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, तो आपको करना क्या होगा कि आपको इस अक्षय तृतीया को 11 दीपक लाना है, उसमें से एक दीपक बड़ा होगा और बाकी जो 10 दीपक है वो नॉर्मल साइज के होंगे और उन सभी दीपक में घी और बत्ती लगाकर शाम को पूजा घर में रखना है। उसमें से जो बड़ा दीपक है उसमें इतना घी रखें ताकि वो अखंड सुबह तक जल सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन संबंधी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। छठा, अगर आप अपने घर में होने वाले अनावश्यक झगड़े से बचना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के ग्रह कलेश से बचना चाहते हैं, साथ ही अकाल मृत्यु से भी बचना चाहते हैं, तो आपको इस अक्षय तृतीया को एक दीपक अपनी कुल देवी के नाम से अवश्य दान करना चाहिए। मतलब कुल देवी के नाम से एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी मेलजोल बना रहेगा और साथ ही घर की सभी परेशानियां दूर होगी। सातवां, अगर आप अपनी उन्नति हर क्षेत्र में चाहते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया को आटे के 11, 21 या 51 दिए जितने भी आपको बन सके अपने पितरों के नाम से अवश्य दान करें, क्योंकि आपकी किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए
आपके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। चलिए लास्ट में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले रविवार को आप शाम को 7:30 बजे 11, 21 या 51 दिए ले लीजिए और उसको अपने जो देश के रक्षक हैं या देश के जो वीर हैं उसमें, चाहे बॉर्डर पर रक्षा करने वाले सैनिक हो या डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, सफाई कर्मी हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए आप दीप दान अवश्य करें या उनके लिए दीप अवश्य जलाएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।